भाई लोगों को बिल्ले होते हैं वो नहाने के बाद साफ होते हैं, मारा वाइटी गंदा हो गया नहाने के बाद और ज्यादा गंदा। अस्सलाम वालेकुम, को बैक हो गए मेरे न्यू व्लॉग के अंदर। तो कैसे हो, ठीक हो ना भाई? आज मेरा होगा जी इम्तिहान के, यार हमें वाईटी को लिए हुए भाई 2 माह से ऊपर हो चुके हैं और देखते हैं जी आज मेरा वाईटी कितना का मेरे साथ है जी। फ्रैंक यार आज मैं से नहलाने वाला हूँ भाई, अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। तो यार ये जब नहलाते हैं ना, पिछली बार जब हम नहलाया था भाई तो उसने पंजे मार मोड़ के ना भाई हमें एक बार बता दिया था कि भाई नहलाया किसी ने। यार अभी मैं ना इसे ऐसा करता हूँ, मैं इसे घर ले जाता हूँ, वहाँ पर वाशरूम में बाहर लूँगा भाई। मुँह मैंने बंद कर लेना, फिर पानी ना मैं इसके ऊपर डाली जाऊँगा, आराम सुकून से नहा ही जाएगा। अभी देखते हैं आराम सुकून से नहाता है कैसे नहाता है। बाकी इन्होंने इसने देख क्या किया हुआ है भाई, अपने कानों शानों का ना अपने सारे कान ख़राब किए हुए हैं। सबसे पहले यार इसे दूध वगैरह डाल देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाग के भाग के भाग के, चलो भाग के इसके पास। ये दूध वगैरह डाल दिया है इसमें, हैं और दूध पियो। हेलो भाई जान, दूध पी लो। क्या हो गया, दूध पी मामा? इसके सेपरेट वगैरह भी नहा के लगाएंगे इसे, जब नहला देंगे ना इसे फिर सेपरेट वगैरह भी नहला के लगाएंगे। पी ले और दूध पी ले। नहीं वो मामा हीर दिया, पोत भी शीर दिया, दूध पी ले, 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 पीला यार। नहीं यार दूध नहीं पी रहा अभी, पता नहीं क्या मसला है इसे। पीछे पीछे मेरे घूम रहा है, दूध क्यों नहीं पी रहा ब्रो? फिर जा दूध पी जाके, जा जा पी जा दूध, जा भाग 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 भाग। क्या सब बेला है यार। अपने चूजे वगैरह और रैबिट्स वगैरह को बाहर उठा के फिर मिलते हैं। तो यार अपने चूजे वगैरह को बाहर निकाल दिया, अभी इनका चारा वगैरह भी रख ही देते हैं इनके पास, आराम सुकून से खाई जाओ। बाकी यार इनका पानी शानी भर के इनके केज में, इनका चारा चारा भी केज में रखते हैं। तो क्या यार हमने मैंने जाना है अभी, मुझे याद आया, तो इन्हें बंद करके जाना पड़ेगा, ऐसे खुले छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो बिल्ली यार खा जाएगी भाई ने। और मैंने अपने रैबिट्स वगैरह को बाहर छोड़ दिया, अभी इन्हें उठा के भाई अंदर शिफ्ट कर देते हैं। यार बिल्ली आ सकती है किसी वक्त भी, मैं तो यहाँ पर हूँगा नहीं, फिर इनका क्या होगा? ठाकुर राम तेरा क्या होगा अगर मैं तुझे छोड़ गया ऐसे? ये खाओ इनका चारा वगैरह, अंदर रख दिया मैंने तो अंदर ही छोड़ जाते हैं मुझे भी। मैं आ जाओ जी ऐसे, ये लो जी आराम सुकून से खाओ। यहाँ पर इनके आगे दरवाज़ा वगैरह दे देते हैं जी, ए ऐसे आराम सुकून से ये खाई जाएंगे यहाँ पर, इन्हें कोई टेंशन वेंशन नहीं होगी। बाकी हम चिक्स वगैरह को भी यार उनके केज में बंद करके फिर वाइटी को इन्हें हला के फिर ही मिलेंगे यार। भाई लोगों को बिल्ले होते हैं वो नहाने के बाद साफ होते हैं, हमारा वाइटी गंदा हो गया नहाने के बाद और ज़्यादा गंदा हो गया देख रहा है भाई हमें। मैं ऐसे बैठा हूँ इसको कहने के लिए कि यार नीचे ना चला जाए, अगर ये नीचे चला गया ना यार, मेरे साथ कोई है नहीं पकड़ने वाला मोबाइल, तो ये नीचे चला गया ना। अब दिखाता हूँ, देखो कितना गंदा लग रहा है, ये देखो पूंछ, दे पूंछ देखो इसकी काली है ब्रो सारी। देखते हैं जी अभी नहाने का भी बाल सूखते हैं, जब जब इसके हेयर सूखेंगे, जब ये सूखेगा फिर देखते हैं, फिर पता लगना है भाई रिजल्ट का, ये चिट्टा हुआ है कि नहीं, कैमी सारा की कम होया वा। यार ब्लोअर मैं चला रहा था लेकिन ये चलाने नहीं दे रहा, इस वजह से अभी हाथ ही मार रहा हूँ भाई मैं। वो तेरी डंडियाँ वडन दिया यार मेरे। चलो यार अभी ना जल्दी जल्दी मैं इसे सुखा के फिर आपसे मिलता हूँ। अपने आपको खुद साफ कर रहा है, चेक करो जी, समझदार बिल्ला है वैसे है ना, आप ही खुद साफ कर रहा है भाई अभी। और बात अभी रैबिट्स का चारा वगैरह भी नहीं है तो वो भी लेके आना पड़ेगा भाई। अभी वाइटी को नहला के सुखा के ना, नहला तो दिया बस सूखने वाला रहता है, थोड़ा सा 5-10 मिनट का काम है भाई, उसके बाद फिर यार रैबिट्स का चारा वगैरह भी लेने जाना है। तो इस वक्त बाग में आ चुके हैं, ये सारा मरा डेरा है यहाँ पर, सभी जगह जितों मर्जी पट्ठे वढ़ लो साढ़े ही है, तुसी नहीं वढ़ने मैं वढ़ सकता। अच्छा तो यार बाकी यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये क्या क्या काम कर रहा हूँ यार मैं, सीरियस घर वाले मुझे यार गालियाँ निकालते हैं, तो क्या काम कर रहा है, अच्छा भला बंदा है यार तू, ले रखे या तू खरगोश रखे है, गंद बिच बैठा रहना है, अभी पट्ठे वड्ढन आया यार अज मैं, अज पहली बारी मैं पट्ठे वड्ढन आया हूँ, कभी इदा का काम नहीं सी किता, यूट्यूब मेरे को पता नहीं की कराऊगा। तो यार इस बात पर यार सब्सक्राइब कर लोगे यार, और कुछ ना करना पवे। ओ एक मिनट रुको, अभी ये क्या चीज़ है,
वो ईगल है भाई, भाई ईगल इधर आ गया मेरे यार। जल्दी जल्दी इनका चारा वगैरह यार हम काट लेते हैं। कहाँ से काटें यार? वो मैं कहता हूँ आगे से काटते हैं, वहाँ पर बड़ा बड़ा है तो वो शौक से खाएंगे। तो ये उठाते हैं और काटते हैं और फिर मिलते हैं इकट्ठे मिनी जू में। तो यार मिनी जू में आ चुके हैं और वाइटी की मुझे समझ नहीं आई यार, इसने ना दूध भी नहीं पिया आज, एक घूंट भी नहीं पिया यार दूध का। आ जाओ वाइटी पी लो यार, ये पी लो यार वाइटी दूध। यार दूध बिल्कुल नहीं पिया यार इसने, इसका पेट देखो ना कैसे अंदर को गया हुआ है। चलो यार बाकी हम अपने रैबिट्स वगैरह को चारा वगैरह इनका डाल देते हैं जो हम लेने गए थे, वो मैंने यहाँ पर ला के रख दिया भाई। ये पड़ा हुआ चारा वगैरह जी इनका, तो अभी थोड़ा सा उठाते हैं और इन्हें डाल देते हैं जी, इतना बहुत है। आराम से उनसे बड़े मज़े से खाएंगे यार, ताज़ा ताज़ा चारा है तो वो शौक बड़े मज़े से खाएंगे देखना। अभी ये उठाया जी मैंने टोकरा, अब देखना देखना कितने शौक से खाएंगे। ये देखो माशाल्लाह बड़े शौक से खा रहे हैं। तो अभी इन्हें नीचे कर देते हैं ऐसे, वाइटी वगैरह को भी अंदर कर देते हैं और शाम को मिलेंगे ब्रो। यार इस वक्त शाम का वक्त हो चुका है और वाइटी अब देखो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है भाई, पहले नहीं लग रहा था, अब देखो कितना साफ़ लग रहा है भाई, चिट्टा चिट्टा निकला है हमारा वाइटी। और यार वाइटी ने एक और चवल मारी है, पता है आज क्या किया वाइटी ने? वाइटी ने बिल्कुल दूध को मुँह ही नहीं लगाया यार, बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ जैसे यार पड़ा था वो। अच्छा मुझे लगता है कि यार वो फीड जो थी ना, मैंने फीड बीच में डाल दी तो उसका मेरे ख्याल में वो ना तो सही नहीं लगा होगा। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ इसको ना, मैं ऐसे ही करता हूँ ब्रो। यार मैं ना इस दूध को ऐसे इसमें डाल देता हूँ क्योंकि यार इसे ज़ाया ज़रूर करना है, कोई और परिंदा वगैरह पी लेगा यहाँ पर आके। तो अभी इस प्याले को धोते हैं और वाइटी को डाइट देते हैं, क्योंकि यार वाइटी ने सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो जल्दी जल्दी करते हैं भाई। तो यार वाइटी को डाइट वगैरह डाल दिया, आराम सुकून से खाई जाएगा यार, इसे खाने देते हैं। बाकी हमारे चिक्स वगैरह और रैबिट्स वगैरह को यार अभी उठा के बाहर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हम तेरी वजह से मुझे चारा वगैरह काटना पड़ा, कभी मैं इतना काम नहीं सी किया, तेरी वजह तो काम करना पड़ा है मैनू, मुँह देखने का। चलो यार नीचे फेंक देते हैं सबसे पहले ये जो है ना, ये गंद जो है सूखा चारा है, सारा उठा के बाहर कर देते हैं। बाकी अभी ब्लैकू को उठाते हैं जी। ब्लैकू आ जाओ, तू तो ना ऐसा कर ब्रो, तू तो ऐसा नहीं था, तू भी अभी राम के लग गया है भाई। अभी यार इनको पानी शानी भी भर के रखना है भाई, ये भी भर के रख देते हैं, इनको पानी शानी भर के रख दिया। अभी इनको चारा वगैरह भी डाल देते हैं जी, ये रहा जी इनका चारा, यहाँ पर पड़ा हुआ है तो ये यहाँ से थोड़ा सा उठाते हैं जी, इतना बहुत है, बाकी रात को डाल देंगे। क्योंकि यार अभी अफ्तारी होनी है तो अफ्तारी के टाइम मैं चला जाऊँगा घर, तो इन्हें छोड़ के जाऊँगा, इधर आ जाओ ब्लैकू ना मजा कर। तो यार इन्हें चारा वगैरह डाल दिया, अभी हमारे चिक्स की बारी है यार, कहता हूँ उन्हें बाहर छोड़ देते हैं 2 मिनट, वो दाना पानी खा लेंगे यार बाहर ही। तो ऐसा करता हूँ ये यहाँ पर रख देता हूँ और चिक्स वगैरह को उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। यार हमने अपने चिक्स वगैरह को बाहर छोड़ दिया, अभी यार इनको थोड़ा सा चारा वगैरह भी ले कर आकर ना मैं थोड़ा चारा वगैरह डाल देता हूँ, ये आराम से उनसे बड़े मज़े से खाएंगी। तो अभी मैं ऐसे करता हूँ उन्हें चारा वगैरह भी डाल देता हूँ, दाना वगैरह तो खा नहीं रही मेरे ख्याल में, इनका पेट फुल है यार, ऐसा ही हो सकता है। बाकी लेनी चाहिए यार ब्लैकू के लिए चारा है, तो ब्लैकू साहब गुस्सा ना कर जाए बाद में भाई। ब्लैकू चारा ले सकता हूँ थोड़ा सा? हैं ब्लैकू चारा ले सकता हूँ तुम्हारा थोड़ा सा? भाई वो कह रहा है, उसने चेहरा ला दिया आपको दिखा होगा, वो कह रहा है ले लो भाई, तो जल्दी जल्दी ले के ना डाल देते हैं। चिक्स वगैरह का चारा वगैरह डाल दिया, देखो कितनी भाई तेज़ी से खा रही हैं यार, चेक करो, चेक करो भाई। ये तो मिनट लगाया भाई इन्होंने ख़त्म करने में, वो देखो तो सही, वो इतना बड़ा था भाई ख़त्म हो गया है। बाकी यार इतना ही सही है, वो लगती है यार मैं हाथों से तोड़ता हूँ, छोटा छोटा करता हूँ फिर इन्हें देता हूँ यार, बहुत देर लग जाती है। और बाकी यार कल जो मैंने चवड़ मारी भाई, कल मैंने व्लॉग बना लिया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा यार अफ्तारी के बाद मिलेंगे, उसके बाद मुझे अफ्तारी के बाद मुझे यही लग रहा था कि मैंने व्लॉग एंड कर दिया है, मैंने व्लॉग कर लिया है, लेकिन मैंने व्लॉग एंड ही नहीं किया था ब्रो, वो एंडिंग के बगैर ही है भाई मेरा व्लॉग। और आज यार अभी एंड कर देता हूँ व्लॉग, क्योंकि यार अभी मैंने अफ्तारी के बाद ट्यूशन जाना है आज, क्योंकि यार आज अफ्तारी के बाद पता नहीं क्यों जाना, मुझे नहीं पता क्यों जाना, उन्होंने कहा था कि अफ्तारी के बाद जाना है, तो मैंने अफ्तारी के बाद ही आऊँगा भाई, अब क्या कर सकते हैं। और ये थी आज की हमारी पार्टी प्लान वीडियो, उम्मीद है नहीं आपको आदमी कर दीजिएगा, मेरे चैनल हमजा जिले लाइफ को सबका भी आदमी कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।